और साथ में इनके मिलती है जी वेज बिरयानी साथ में सोया चाप। हमारे खाने में जो सबसे मेन चीज है जी कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, हमारी वेज बिरयानी है। ये घर का हमारा देसी घी होता है, देसी घी वाली बिरयानी रहती है। मेरी लस्सी शुरू करने का कारण भी यही था, बींग ए पेरेंट मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले जाए। सच में यार काफी फ्लेवरफुल चटपटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आगे जी आपको दिखाने में लुधियाना के एक वायरल बुलेट वाले सरदार जी है जी, जिनके आप मिलते हैं जी बहुत ही बढ़िया कड़ी चावल, राजमा चावल, और उनके यहाँ मिलते हैं वेज बिरयानी जो यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये चलते उनके पास, देख ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, हम करते हैं वीडियो को शुरू, दिखाते हैं आपको सब कुछ और करेंगे उसकी टेस्टिंग। तो आ जाओ जी मेरे साथ आपको दिखाते हैं। दादी सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम मनदीप सिंह है जी। अच्छा, तो कितने साल हो गए हमें इस काम में? आफ्टर कोविड हमने शुरू किया है जी। अच्छा, और ये सारा सेटअप हम बुलेट पे लगाते थे, ठीक है, इसीलिए हमारा जो नाम है वो बुलेट वाले ही है। अच्छा, जी अच्छा। बुलेट वाले। वाह जी वाह, तो मतलब आज लुधियाना में जाने माने जाते हैं, नाम आपका अकाल पुरख की कृपा है जी। वाह, हम लगा रहे हैं नॉन स्टॉप ऑर्डर, राजमा चावल, कड़ी चावल, और साथ में इनकी मिलती है जी वेज बिरयानी साथ में सोया चावल। तो देखिए जी काफ़ी प्यारे राजमा, एकदम कलर देखिए, और ये है जी कड़ी। वाह जी वाह, ये हाफ प्लेट लग रही है सरदार जी? ये हाफ है जी, सारे साइज हाफ। वाह जी वाह, क्या कीमत क्या है इसकी हाफ की? जो वेज बिरयानी है जी वो 50 की है, अच्छा। चाप ग्रेवी के साथ। अच्छा, और कड़ी और राजमा हाफ 40 का और फुल 70 का, बिरयानी में 50 और 90 का। वाह जी वाह, बहुत ही कूल। तो ये देखिए जी, और साथ में हमारी होती है जी हर प्लेट के साथ, चाहे हाफ हो फुल हो, कॉम्प्लीमेंट्री एक ग्लास लस्सी का जी। अच्छा, लस्सी भी देते हो आप हर प्लेट जी, के साथ? अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट्री रहती है? बिल्कुल, एक ग्लास कॉम्प्लीमेंट्री रहता है जी। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए जी ऊपर से चली गई इनकी हरी चटनी, आपने ही शुरू करा था ये सब जी। तो ये सब तैयार भी आप खुद ही करते हो? नहीं, मैडम करते हैं, वाइफ करते हैं मेरे। अच्छा, मिलके प्रिपरेशन इनकी होती है, सर्विंग यहाँ पे मेरी थी, अभी सर्विंग भी हम दोनों कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एक बार दिखा दोगे बिरयानी, दिखाओगे अपनी? ये हमारी वेज बिरयानी है, ये घर का हमारा देसी घी होता है, देसी घी वाली बिरयानी रहती है। इसकी प्रिपरेशन जो है वो देसी घी की है, बाकी जो है नॉर्मल है। ठीक है जी, क्या कीमत क्या बताई थी आपने बिरयानी की? इसकी हाफ 50 का है, फुल 90 का है। वाह जी वाह, इसमें हम साथ में डालते हैं चांप। अच्छा, ग्रेवी के साथ। ठीक है जी, तो चांप की हमारी एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। जी जी, मोस्टली मैं सबको यही चीज बोलता हूँ, आप खाते हो चांप कहीं पे भी, ये चम्मच है। वाह जी वाह, काफी मुलायम चांप है यार। ये विदाउट मैदे वाली चांप है जी। अच्छा जी, 100% सोया है इसमें? 100% की तो मैं बात नहीं करता, पर जो बाजार में मिल रहा है वो नहीं है ये। अच्छा, अच्छा, उससे अलग है जी। ठीक है जी। अच्छा, बाकी सब्जी वगैरह दिखा देंगे हमें जी? हाँ, कौन सी पड़ी है? अच्छा, ये उसके बाद ये हमारी कड़ी है जी, पकोड़े वाली। वाह जी वाह, बहुत ही प्यारी कड़ी है जी, पकोड़ों वाली, लाजवाब यार। उसके बाद ये हमारे राजमा है। अच्छा, ये हो गए आपके राजमा जी? वाह जी वाह, ये चित्रा राजमा रहते हैं? ये चित्रे राजमा है जी। बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा, इसके साथ राइस वगैरह जाते हैं? हाँ, इसके बाद अपने जो जीरा राइस आएगा, सिंपल जो घर पे बनता है। हमारे खाने में जो सबसे मेन चीज है जी कि इसमें कुछ भी खास नहीं है। अच्छा, हाँ, जो भी घर पे है उसी तरह से बनेगा। वाह जी वाह, ये बात हमने बहुत बढ़िया करी। लोग कहते हैं हमारा खाना बहुत स्पेशल है। नहीं नहीं, हमारे घर वाला ही खाना है। घर वाला खाना है जी, कोई कुछ खास नहीं है। वाह, जो घर पे खाएंगे, मैं कॉलेज के आसपास बैठा हूँ, दो कॉलेज है जी, तो यहाँ पे मेरा मोस्टली जो कस्टमर है वो पहले तो बच्चे हैं कॉलेज के, तो बच्चों को सिंपल सी बात ही है यही। मेरी लस्सी शुरू करने का कारण भी यही था, बींग ए पेरेंट मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले या कुछ है। हाँ जी, हाँ तो लस्सी हमने पेड़ भी नहीं रखी, इसीलिए एक ग्लास कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया कि आप साथ में पियो, अच्छी चीज पियो। और जब मैंने शुरू किया ना, वो कोविड का टाइम था। हाँ जी, तो उस टाइम तो बेसिक नेसेसिटी थी अच्छा हाइजीनिक फूड। हाँ बिल्कुल, तो मतलब जो खासियत है हमारे यहाँ खाने की वो वही है कि घर जैसा खाना, घर जैसे स्टाइल में मिलेगा, कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, ठीक है, उसी तरह से मिलेगा। कुछ ज्यादा मसाले तेज नहीं है, कोई मसाले, कोई डब्बी वाला मसाला हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, खड़े मसाले, ठीक है, और कड़ी में भी दिखाऊं मैं आपको, सारे हमारे खड़े मसाले होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ भी आपको दिख रहे होंगे तो सारे खड़े मसाले हैं, कोई भी हम डब्बी डुब्बी वाला काम ही नहीं करते। वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा सेटअप है जी, सब कुछ ढक के रखा हुआ सरदार जी ने, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं जी लोग इनका खाना, तो नॉन स्टॉप यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, अपना ऑर्डर्स लगवा रहे हैं। और ये देखिए जी, इनकी यहाँ पे बिरयानी हॉट सेलिंग है। ये बिरयानी आपने अभी शुरू करी है? हाँ, 4 महीने हो गए जी। अच्छा, बिरयानी शुरू की है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस लग रहा है जी, आप देख रहे हो नॉन स्टॉप कस्टमर बिरयानी ले रहे हैं, ऑर्डर लग रहे हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं जी इनके कड़ी चावल, राजमा चावल, और ये आगे जी ऊपर से सोया चावल। अभी तो कॉलेज में जी ऑफ है, कॉलेज बंद है दोनों मेरे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं होता इस टाइम? नहीं, चलो वो तो
ग्राहक के लिए तो टाइम ही टाइम है, आपके लिए टाइम ही टाइम है सर, पर मसला है कि भी हाँ क्राउड रहता है हमारे पास। हाँ जी हाँ जी। तो ये देखिए जी, आगे से ऊपर से हरी चटनी नॉनस्टॉप से दाल जी, यहाँ से राइस की प्लेट्स लगाई जा रहे हैं, आगे मैम डाल रहे हैं जी सब्जी। वाह जी वाह। तो ये देखिए जी, काफ़ी प्यारे राजमा जा रहे हैं जी, छोटा बहुत ही बढ़िया जी। ये भी हमारा स्टाइल है जी, हमने मोस्टली बंदों को लगा दिया है ऐसे। अच्छा, सब्जी मिक्स करके देने का। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी कोशिश है भी कोई भी बंदा खा रहा है पैकिंग में है जी, तो वहाँ पे उसको ये ऊपर ऊपर सब्जी ना रह जाए। अच्छा अच्छा, ये सूखा ना जाए, अंदर तक पूरा रच जाए सब्जी। बहुत ही बढ़िया जी, नॉन स्टॉप ऑर्डर्स पे ऑर्डर लग रहे हैं जी कस्टमर के लिए। वाह जी वाह, काफ़ी पसंद करते हैं लोग इनकी। और ये सर जो अपना लोकेशन है, ये अपना कहाँ पर है एग्जैक्ट? ये सर लुधियाना में ऑपोजिट खालसा कॉलेज फॉर वुमेन्स है। अच्छा। उसके सामने ये पार्क है। अच्छा। पार्क के जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है उसी पे हम खड़े होते हैं। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 11:30 से शाम के 4 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। जहाँ ये बेंच पे सेटअप होता है या बुलेट पे होता है। अच्छा, तो दो ही तरीके। अच्छा, मतलब बंदा कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, यहाँ कॉपी होने लगी थी। अच्छा, वाह जी वाह। तो ये देखिए जी, यहाँ पर सरदार जी ने यहाँ पे रखा हुआ है जी टेबल, तो फिलहाल अभी टेबल पे लगा है, वैसे इन्होंने बुलेट पे भी सेटअप करा होता अपना। और ये जा रहे हैं जी ऊपर से इनके बढ़िया से प्याज, और ये आगे जी इनकी धनिया पुदीने वाली चटनी, धनिया पुदीना अम्बी। अच्छा। गर्मी गर्मी इसमें अम्बी रहती है, सर्दी में अमचूर। अच्छा। और जो इसका लिक्विड है वो लस्सी है। अच्छा, वो पानी नहीं है। पानी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सफ़ेदपन आपको नजर आएगा। जी जी, वाह जी वाह। तो बैक टू बैक ऑर्डर्स लग रहे हैं जी, कस्टमर इंजॉय कर रहे हैं खाना। और ये सामने आपको खालसा कॉलेज दिख जाएगा जी, उसके बिल्कुल बाहर ही लगाते हैं जी सेटअप। ये देखिए जी, यहाँ पे बिरयानी जा रही है जी सीधा कंटेनर में, इसके बीच भी सब्जियाँ क्या क्या डालते हैं सरदार जी? काफ़ी सब्जियाँ दिख रही है इसमें। कौन से जी? मटर है और सोया चंक्स हैं। अच्छा अच्छा जी, वाह जी वाह। बाकी इसमें हम खड़ा मसाला कोई नहीं डालते बिरयानी वाला, सारा पिसे मसाले होते हैं। अच्छा अच्छा वाह, ताकि मुँह में ना आए मसाले खड़े। सही, आगे ऊपर से इनकी सोया चाँप और नॉन स्टॉप बिरयानी लगी जा रही है, जो 50 रुपये कीमत है, जिसके भी सोया चाँप भी मिल रही है आपको और बिरयानी भी मिल रही है यार। एक गिलास लस्सी का भी साथ में और लस्सी का भी मिल रहा है। वाह, तो पूरा अपने आप में एक मील दे रहे हैं सरदार जी सिर्फ 50 रुपये में यार, बहुत ही बढ़िया। लगवा लीजिए जी सरदार जी से बढ़िया से इनकी वेज बिरयानी, साथ में ऊपर सोया चाँप डाल के देते हैं ग्रेवी वाली, साथ में चटनी और एक गिलास लस्सी का सबको साथ में देते हैं यार। ये कोई भी कुछ भी ऑर्डर लेने आएगा उसको एक गिलास लस्सी का सरदार जी जरूर देते हैं। और 50 रुपये कीमत है इसकी, काफ़ी लोडेड बिरयानी अपने आप में। और मैंने दिखाया अभी तो कॉलेज का छुट्टी थी, नहीं तो उनके पास टाइम नहीं मिलता है यार, आपको ऑर्डर लेने के लिए 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। तो आइए लेते हैं जी हम एक बाइट। सरदार जी ने कोविड में शुरू करा था और उसके बाद काफ़ी फेमस हो गया जी लुधियाना में ये। और ये है जी बाइट मेरी सोया चाँप की साथ में बिरयानी, ये है जी बाइट। वाह यार, काफ़ी फ्लेवरफुल बिरयानी है। जैसे ही मैंने बाइट ली ना, राइस एकदम फ्लेवरफुल, जो इनकी सोया चाँप बिरयानी है ना, सोया चाँप है, काफ़ी सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली सोया चाँप है। और ग्रेवी एकदम चटपटी मसालेदार। और दूसरा सरदार जी कहते हैं कि हम ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते बाहर के, ताकि लोगों को वो अफेक्ट ना करे बॉडी में, लाइट रखते हैं, पर उसके बिना भी काफ़ी फ्लेवरफुल है यार, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ब्लैंड है या कुछ, एकदम फ्लेवरफुल बिरयानी। 50 रुपये के हिसाब से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, एक बाइट तो और बनता है यार। और ये है जी बाइट हमारी। सच में यार काफ़ी फ्लेवरफुल, चटपटी, ऊपर से जो प्याज डाल देना उसकी वजह से क्रंच बहुत अच्छा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 50 रुपये के हिसाब से ना इससे अच्छी बिरयानी नहीं आपको लुधियाना में मिलेगी, अगर आप वेज बिरयानी खाने के शौकीन हो ना तो यही वो जो हमारी लस्सी भाई पीते हैं जी लस्सी बढ़िया सी। हाँ, एकदम बढ़िया नमकीन लस्सी, बेसिक लस्सी है। और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है यार, कुछ भी लो उसके साथ आपको मिलती है। साथ में इनके पास मिलता है बढ़िया से कड़ी चावल, राजमा चावल, अगर आप वो भी खाने के शौकीन हो तो आप आ सकते हो सरदार जी के पास। हम इस टाइम खड़े हैं जो लुधियाना में खालसा कॉलेज के बिल्कुल सामने ही, सरदार जी बुलेट बाइक के ऊपर लगाते हैं जी अपना ढाबा। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। और आपके पास कोई रेकमेंडेशन है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताओ। तो अगर आप स्टूडेंट हो और अगर जॉब करते हो, अगर ऐसा होमली फूड आप ढूंढ रहे हो तो ध्याना में, तो इधर डिस्प्ले में आपको वीडियोस दिख रही होंगी, तो वो भी जाके जरूर देखना जी, आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता आपको कोई और मस्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।